जो है ना मैंने अपने सब बर्ड्स को खोल के दाना पानी डाला और ये देखें खा रहे हैं। और बतखे हमारी जो है ना आज तीनों ही आते साथ स्विमिंग करना शुरू हो गई है माशाल्लाह। और जो दाना हमने इनके लिए अंदर डाला हुआ था ना वो दाना ये खा रही है, स्विमिंग कर रही है। और नीचे से देखें जो दाना नीचे पड़ा हुआ है ना वो सारा दाना पकड़ के खा रही है। और एक अभी बाहर भी निकल गई है और जब इसका दिल करेगा तब खा लेगी उधर से। और अभी ये ना इधर से आ गई है, इधर से खाएगी अभी ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक हो गया आप सबका हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो यार अभी ना हमने अपने सब बर्ड्स को दाना पानी डाल दिया यार। बुरा ना हमारी जो बिल्ली है ना वो बीमार हुई पड़ी है, सुबह से ना वो शोर की जा रही है। तो यार ना उसको क्या हुआ? बिल्ली को क्या हुआ? कल तो बिल्कुल ठीक थी यार, पता नहीं वो सुबह से शोर की जा रही है। चल फिर जल्दी चल डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। डॉक्टर के पास लेके चले? चला फिर चले। तो यार अभी ना हम लोग अपनी बिल्ली को ना डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं और उसका ना जाके ट्रीटमेंट करवा के लाते हैं। यार ना बेला को इसके अंदर मैंने बंद किया है तो अभी ना इसको लेके जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर के पास। अब आपको ना उधर पहुंच के दिखाते हैं। यार अभी ना हमारी बिल्ली का जो है ना चेकअप हो रहा है, बीमार थी इसको डॉक्टर साहब के पास लेके आए हम लोग इसको। तो अभी भाई चेक वगैरह कर रहे हैं इसको, देखते हैं अभी क्या मसला है इसको। टेम्परेचर हुआ हुआ एक बच्चा देने वाली है ये? कब तक देगी? एक दो दिन में दे देगी। एक दो दिन बच्चे दे देगी यार। बुरा रहा, ये तो बड़ी प्यारी गुंडी है। हम लोग ऐसे परेशान हो रहे थे कि ये बीमार हुई हुई है। अच्छे से चेक कर लें यार। अभी जो है ना हम लोग अपने बेला को चेक करवा के आ गए हैं और उसको ना अंदर मैंने छोड़ दिया। सुबह से हम लोग ऐसे इतनी टेंशन ले रहे थे, वो ना म्यों म्यों ही की जा रही थी। और यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, वो बच्चे देने वाली है। चलो यार सेटअप पे रोना लग जाएगी, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे आएंगे, म्यों 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 करेंगे। हाँ बड़ा अच्छा लगेगा यार, बड़ी अच्छी रौनक लग जाएगी। बिल्ली के बच्चे जो होते हैं ना बड़े प्यारे लगते हैं जब छोटे छोटे होते हैं ना, शरारतें भी बड़ी करते हैं वो। तो यार ना अभी जो है ना मिठू को भी बाहर निकालते हैं, ये इधर है। अभी धूप भी खत्म हो गई हुई है तो ये अभी तक इधर ही पड़े हुए हैं। वैसे अभी इसको ना थोड़ी देर बाहर निकालते हैं क्योंकि आज सुबह से ना इसको हमने बाहर ही नहीं निकाला। पर ये देखो कैसे बेचैन हो रहा है बाहर आने के लिए। मिठू, ये मिठू, मिठू यार। मिठू को ना अभी बिठाते हैं अपने कंधे के ऊपर। यार अभी ना मिठू को मैंने अपने कंधे के ऊपर बिठाया हुआ है और ये देखो कैसे शोर कर रहा है यार। वो ना उसको मैंने ऊपर छोड़ा हुआ है, ऊपर केज के अंदर ही बंद किया हुआ था तो मुर्गियां डर रही थी ना, इस वजह से मैंने ना उसको बाहर नहीं निकाला, उसको ना केज के अंदर ही बंद किया हुआ। तो अभी इनको भी देखते हैं यार, दाना वगैरह इनको डाला था। ऑस्ट्रेलियन पैरट्स ना हमारे सुस्त हुए हुए थे, उनको चेक कर लेते हैं कि वो ठीक हुए हैं या नहीं हुए। अभी इनका दरवाज़ा खोलते हैं। यार ऑस्ट्रेलियन पैरट्स जो है ना हमारे, ये भी आगे से थोड़े से तो ठीक लग रहे हैं क्योंकि आज ये देखो ना थोड़े थोड़े सेट हुए हैं। अभी इनका बल्ब बंद हुआ पड़ा, इनका बल्ब भी चला देते हैं। यार हमारे जो कॉकटेल पैरट्स है ना ये कल बॉक्स के अंदर जा रहे थे और आज देखते हैं ये बॉक्स के अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और इनके ना मैं तो कहता हूँ यार ना अंडे भी चेक कर लेते हैं, पता नहीं इन्होंने शायद अंदर ही अंडे दे दिए हों, हमें पता ही ना हो। हाँ यार जल्दी से चेक कर, चेक कर लें फिर। हाँ जल्दी से चेक कर, अगर अंडे ना दिए, अंडे ना दिए हुए तो फिर भाई मैंने पैर एज वाले चेंज करा लेने। हाँ ठीक है। तो अभी ये सारे भाई ने जो मेल पैरट है वो बॉक्स के बिल्कुल करीब बैठा हुआ है तो अंदर जाके देख लेते हैं, हो सकता है इन्होंने दिए हों अंडे। बाकी अंदर जाके देखते हैं। रिंगनेक पैरट को भी मैं साथ ही ले आया हूँ केज में और इधर कॉकटेल पैरट्स ने ना शोर करना शुरू कर दिया फुल। ये देखो कैसे सीटियां मारते हैं। अभी ये देखो हमारा रिंगनेक पैरट भी इधर बैठ के इनके साथ और इनके बॉक्स के पास जा रहा है और ये देखो कैसे शोर कर रहे हैं कि रिंगनेक को क्यों केज के अंदर लाया। फिर ये देखो ये इधर प्यारा लग रहा है, मेरा तो दिल कर रहा है इसके साथ भी तोती ला के इधर ही छोड़ दे। अंदर आ गए देखो बदमाशी दिखा रहा है मिठू, मिठू क्या क्या। तो अभी यार ना बॉक्स चेक करते हैं इन्होंने अंडे दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए। तो यार पहला बॉक्स जो है ना, अभी जो हमने पहला बॉक्स चेक किया ये तो खाली है, अब दूसरा भी चेक करते हैं इसके अंदर अंडा है या नहीं है। और ये देखो ये कैसे मुझे मार रहे हैं तोते, तो बॉक्स क्यों देख रहे हो यार। अभी ना ये वाले बॉक्स चेक करने वाला है, इसको भी चेक कर लेते हैं इसके अंदर अंडे हैं या नहीं है। तो यार ये भी बॉक्स हमारा खाली है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जो कॉकटेल पैरट्स है ना
इनका पेयर चेंज कर दिया जाए ताकि कोई अच्छा पेयर लाए और वो अंडे बच्चे भी निकाले। ये तो बस ऐसे ही इधर बैठे रहते हैं, कुछ करते तो है नहीं है। बॉक्स के अंदर कल गए हैं बस, और अभी तक अंडे वगैरह भी नहीं दे रहे, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। अभी डबों में भी चेक करते हैं, डबों ने भी दिए हैं या नहीं दिए, डबे भी ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, डबों ने तो दिए हुए हैं तो ये बस स्टोर ही की जा रहे हैं। अब डबों में भी चेक कर लेते हैं उन्होंने दिए हैं या नहीं दिए। तो तू आ जा भाई, इसको बाहर लेके जाते हैं अब। और ये देखो मेरे कंधे पे आ गए, अब इसको ना लेकर बाहर निकलते हैं। जो है ना ये सामने वाली बास्केट के अंदर ना दो डबे बैठी हुई हैं नीचे हो गए, अब इसके अंदर शायद अंडे हो क्योंकि यहाँ पे दो डबे बैठी हुई हैं और बाकी सब के ऊपर बस ना सारी ऐसे ही खड़ी हुई हैं। हमारी ये सारी डबे डर के साइड पे हो रही हैं और जो ये वाली बास्केट के अंदर है ना ये अभी तक अंदर ही बैठी हुई है, इसने पक्के अंडे दिए होंगे। तो भाई साहब करते हैं चेक, ये देखो अभी तक नहीं डर रही। और माशाल्लाह इसके नीचे तो अंडा पड़ा हुआ है यार, मुझे लगता है इसने ना आज ही अंडा दिए क्योंकि एक ही अंडा पड़ा हुआ है इसकी बास्केट के अंदर। और बाकियों के नीचे देखते हैं बाकियों ने दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए। तो ये भी खाली है, आगे शायद हो किसी के अंदर, ये तो बिल्कुल ही खाली है। और माशाल्लाह इधर दो अंडे पड़े हुए हैं यार, ये तो कमाल हो गई आज। डबों के अंडे वगैरह चेक करके ना तो अभी मैंने ना इन सब का शोपर ना नीचे कर दिया, मोरों का भी नीचे कर दिया। तो यार आज के व्लॉग को करो मैं यहीं पे एंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। मिलेंगे आप अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।